हाय गाइस, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, बिट्टू बघेल नाम है मेरा। और मैं ना यार काफ़ी टाइम से बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। क्यों हूँ वो आप लोगों को पता होगा कि मैं किस वजह से इतना परेशान हूँ। हालांकि अब कुछ अच्छा नहीं चल रहा मेरी ज़िंदगी में, चल भी रहा है तो बहुत बेकार चल रहा है, क्योंकि जो भी चल रहा है ना, सच बता रहा हूँ, मैं क्या ही बताऊँ यार आप लोगों को, क्योंकि इतना कुछ बेकार चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है। और उस चीज़ को मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मतलब मैं खुद से ही शिकायत है मेरी, और खुद से ही सब कुछ है। और मैं एक ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, ये शायद अब उस मुकाम पे नहीं पहुंच रही है जहां मैं भेजना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। और मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिविटी बहुत फैल रही है मेरे साथ, मेरा माइंड सेट नहीं हो पा रहा, जिस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ ना, वो वहाँ फोकस नहीं हो पा रहा है, और जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। और मैं उस चीज़ को लेकर ना इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ, जिसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि मैं कितना परेशान हूँ। बट मेरे से अब ये परेशानी सहन नहीं होती है, क्योंकि मैं इतना ही झेल सकता हूँ यार, क्योंकि मैंने अपना, मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा सोच चुका हूँ। बहुत लोग अपनी वीडियो में क्या क्या नहीं करते हैं, मैंने वो हर चीज़ कर रखी है, वो चीज़ करने के लिए ना मैं सब कुछ कर चुका हूँ, क्योंकि वो उतना उतनी मेहनत मैं कर चुका हूँ, उतनी मेहनत कर चुका हूँ जो लोग शायद वायरल होने के बाद करते हैं, वो सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ इस वीडियो में। और इतनी वीडियो बना चुका हूँ, इतनी वीडियो, एक से एक वीडियो, हर चीज़, हर किसी टॉपिक पे बना चुका हूँ। लोग सिर्फ उठा के डाल देते हैं ना, तो उनका वायरल कॉन्टेंट हो जाता है, मेरा तो सच में वायरल भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, किस वजह से, क्या दिक्कत आ रही है। स्ट्राइक लग गई, चार चार स्ट्राइक है मेरे पास, दो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है, दो कॉपीराइट स्ट्राइक है, पता नहीं कैसे लोगों ने दो दो घंटे के एपिसोड अपलोड कर पाते हैं, दो दो घंटे के, जिसे कहते हैं। मेरी बात है ना, हर किसी को पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं आती। ऐसा मैं क्या करता हूँ अपनी वीडियो में कि लोगों को मेरी वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा, जैसा कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। बट मैं मेहनत नहीं रोकना चाहता अपनी, कि मैं मेहनत नहीं करूँगा या रुक जाऊँगा, तो देखो यार मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं उस मुकाम, इंसान बोलता है ना कि आप कभी ज़िंदगी में हार मत मानो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, तो ये चीज़ मैंने सोची है, और मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और अच्छा क्या करना चाहिए, जैसे कि मैं कंटेंट आप लोगों के लिए दे सकूँ और आप लोगों के बीच आ सकूँ, आप सबके लिए एक अच्छे से कंटेंट बना सकूँ, आप लोगों को इंटरटेनमेंट कर सकूँ, आप लोगों को खुश कर सकूँ, ऐसा मैं क्या करूँ जो कि आप लोग खुश होंगे देख के। आप प्लीज़ मुझे वो सजेशन दें, और आपने कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। आप लोग मुझे जानते होंगे, मेरा वैसे भी बहुत नाम है, म्यूज़िक वीडियो से नाम है, म्यूज़िक पे पहले मैं काम करता था, आप लोगों को पता ही होगा, सुना होगा कभी डीजे बिट्टू बघेल, तो शायद आप लोगों को मिल जाएगा सुनने को। बट मैंने ना वो चीज़ मुझे अब पसंद नहीं आ रही है, बस मुझे अब इस चीज़ में फोकस करना है, और इस चीज़ पर काफ़ी अच्छी तरीके से मैं फोकस कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मेरी वीडियो चल नहीं रही है, चैनल से दिक्कत आ रही है। तो देखो मैं इसी चैनल पर मेहनत करने वाला हूँ, इसी चैनल को बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूँ। सच में मैं लोगों को कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अपनी लाइफ दिखाना चाहता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरे रेंट से रहता हूँ, और मेरी फैमिली इतनी हाई फाई नहीं है जो कि मैं बहुत कुछ अफोर्ड कर सकूँ, नहीं उतना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है। और मैं सच में इतना ही परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि यार अब मेरे से वो चीज़ें सहन नहीं होती, और मैं शायद कुछ गलत कदम ना उठा लूँ आगे चल के, तो मुझे पता नहीं मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा, क्योंकि मेरा माइंड है ना अब डिस्टर्ब होने लगा, हर चीज़ से डिस्टर्ब होने लगा, शायद मैं कोई गलत कदम ना उठा लूँ। मैं कभी कभी ऐसा सोच लेता हूँ,
शायद मैं कभी गलत कदम ना उठा जाऊँ या गलत ना चल जाऊँ, कोई नशे पत्ते ना करने लगूँ। क्योंकि यार देखो, इंसान जब डीमोनेटाइज होता है ना, जो भी है वो चलता है ना, तो बहुत कुछ करने की सोचता है। मैं सच ना बहुत रोया हूँ, बहुत, क्योंकि इतना कोई नहीं रोया होगा जितना मैं रोया हूँ। मैं हर बहुत चीज़ से दुखी आ गया, दुखी, इंसान दुखी होता ना, मैं सब कुछ हो गया, बर्बाद हो गया। मैं इतना अंदर से मैं इतना इमोशनल हो रहा हूँ, मैं बस